जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद हैं तेरे। बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद हैं तेरे और आज मेरे बोल रफाल मामले पर। जी हां, भी इसे घोटाला कहने से पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट है मेरे जहन में, मगर सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मगर अगर आप इस तस्वीर को जूम इन करके देखिए तो आसपास आप काले झंडे देख रहे हैं असम में, मगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान है। इस मुस्कान के दो ही अर्थ हो सकते हैं दोस्तों। पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत नहीं देखना चाहते जो उनके सामने है। दूसरा यह कि प्रधानमंत्री नर्वस हैं और अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए वो मुस्कुरा रहे हैं। हकीकत यह दोस्तों कि इस वक्त जो रफाल मामला चल रहा है, रफाल विवाद चल रहा है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर उसी नर्वसनेस को झलका रहा है। दोस्तों, बगैर वक्त बर्बाद किए मैं रुख करना चाहूंगा कि दरअसल हिंदू की रिपोर्ट कहती क्या है, छुपाती क्या है और उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं। और यह मामला सिर्फ हिंदू की रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। आज बोल के लब आजाद में हम आपके सामने एक बहुत बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम पैरा 5 का रुख करना चाहेंगे जो हिंदू की रिपोर्ट में है। इसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी डिफेंस एसके शर्मा क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ऐसे समानांतर चर्चा से रक्षा मंत्रालय का पक्ष कमजोर होता है। हम पीएमओ को सलाह देना चाहते हैं कि वो फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत न करे। अगर आपको रक्षा मंत्रालय में विश्वास नहीं है तो आप बातचीत के पैमाने को बदलकर इसे पीएमओ की नुमाइंदगी में आगे बढ़ाएं। यानी कि रक्षा मंत्रालय से आपत्ति की प्रधानमंत्री कार्यालय दखल दे रहा है, जिससे भारत का पक्ष कमजोर पड़ रहा है। और इसी बात को दोहराया है डिफेंस सेक्रेटरी जी मनोहर कुमार ने। मनोहर कुमार कहते हैं रक्षा मंत्री उस वक्त परिकर थे, इस पर ध्यान दें क्योंकि इससे हमारी वार्ता की क्षमता नेगोशिएशन पावर पर असर पड़ता है। यानी कि दो लोग रक्षा मंत्रालय से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय दखल दे रहा है, क्यों दे रहा है, रहस्यमय तरीके से दखल दे रहा है, इसकी वजह क्या है, और ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय ना करे, और अगर उन्हें दखल देना है तो आप ही नुमाइंदगी करो भाई बातचीत की। इसके जवाब में अब हिंदू ने दरअसल यहां तक दिखाया था, उसके नीचे जो है जो पक्ष है वो बाद में आता है और इसे एएनआई ने छापा है, मगर इससे मामला बदल नहीं जाता है। परिकर इसमें क्या कहते हैं, मनोहर परिकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसा लगता है कि पीएमओ और फ्रांस सरकार इस वार्ता पर नजर रखे हुए थी जो शिखर सम्मेलन का परिणाम थी। पैरा 5 ओवर रिएक्शन है, जरूरत से ज्यादा दी गई प्रतिक्रिया है। रक्षा सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके निजी सचिव के साथ मामले को सुलझाएं। यानी कि मनोहर पारिकर कह रहे हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री कार्यालय से मामले को सुलझाएं। यानी कि मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को कहा था, गलत बयानी की थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस बातचीत में शामिल नहीं है। अब आप कहेंगे कि दिक्कत क्या अगर प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें शामिल हो गया है। इसमें दो दिक्कतें हैं दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान से सुनना होगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। दिक्कत नंबर 1, यह नाम अनिल अंबानी। दोस्तों, इस नाम के आने के बाद राहुल गांधी ने भी हमला तेज बोल दिया, और जैसे कि मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं, इससे काफी शक भी पैदा होता है। दूसरी बात दोस्तों, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सिर्फ डिफेंस कमिटी ऐसे मामलों में बातचीत करती है, प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल नहीं देता है। मेरा सवाल मोदी जी से यह है, आप 36 विमानों के लिए दखल दे रहे थे, और कहीं यह दखल इसलिए तो नहीं है क्योंकि मित्रों का साथ और मित्रों का विकास करना चाहते हैं आप? ये मित्र आपके अनिल जी। दोस्तों, दिक्कत क्या है, जो संवैधानिक
प्रक्रिया चली आ रही थी उसमें दखल देने से दो चीजों में फर्क हुआ। सबसे पहले हम 126 विमान ले रहे थे रफाल, उसे आपने कम करके 36 कर दिया, और वो जो 36 लड़ाकू विमान थे उनकी कीमत बढ़ गई। दो चीजें फर्क पड़ी प्रधानमंत्री के दखल देने से। और अब तीसरी बार आप इस चेहरे को देखिए, अनिल अंबानी। और अब आपको याद है दोस्तों, किस तरह से गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर थे विश्वजीत राणे, उनकी गुप्त बातचीत जो है वो सामने उभर कर आई थी। उस गुप्त बातचीत में विश्वजीत राणे ये कह रहे थे, कथित तौर पर ये कह रहे थे कि मनोहर पारिकर के बेडरूम में रफाल के तमाम सीक्रेट्स मौजूद हैं। उनका भाव यह था कि मोदी सरकार उनसे पंगे नहीं ले सकती, मनोहर पारिकर जो मर्जी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रफाल के तमाम राज हैं। जब यह मामला, जब यह क्लिप सामने आई थी और जब इस क्लिप को कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया था, तब विश्वजीत राणे ने और मनोहर पारिकर ने सबने कहा था कि साहब हम इस मुद्दे पर FIR दर्ज करेंगे। मगर आज 40 दिन हो चुके हैं दोस्तों, FIR दर्ज नहीं की गई है। तो क्या यह माना जाए कि वो बातचीत असली थी? और अगर असली थी तो विश्वजीत राणे किन सीक्रेट्स की बात कर रहे थे? एक बार फिर सुनिए वो बातचीत। अपार्ट फ्रॉम दैट, चीफ मिनिस्टर निक्सन वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ रफाल इन माय बेडरूम, व्हिच यू शुड एक्चुअली मेक अ स्टोरी एंड पुट इट, बिकॉज़ यू कैन क्रॉस चेक विद समबडी हु यू आर क्लोज टू फ्रॉम विद इन द कैबिनेट। ओके, बिकॉज़ दिस इज हाउ यू नो दिस इज समथिंग व्हिच ही सेड, दैट मींस ही इज होल्डिंग देम टू रैंसम। तो अब तक FIR दर्ज नहीं हुई दोस्तों। आपने देखा किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया बदली गई। अब तक तीन बातें सामने उभर कर आ चुकी हैं। सबसे पहली बात, खुद रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस बात की शिकायत कर रहे थे कि किस तरह से मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय दखल दे रहा था। खुद मनोहर पारिकर मान रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल है और आप प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत करके मामले को सुलझाएं। अनिल अंबानी का नाम, संवैधानिक प्रक्रिया जो 70 सालों से चली आ रही थी उसे बदला गया। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक और रिपोर्ट, यह वायर की रिपोर्ट है दोस्तों। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया है कि इस जॉइंट वेंचर के बाद, यानी अनिल अंबानी और डसॉ के बीच जो जॉइंट वेंचर हुआ है, उसके बाद डसॉ ने, फ्रांस की इस कंपनी ने, अनिल अंबानी की एक नुकसान में चल रही वेंचर में 40 मिलियन यूरो लगाई। आप खुद बताइए, आप ऐसे मामले में क्यों दखल देंगे जो नुकसान में चल रहा हो? और इस निवेश के साथ 284 करोड़ का फायदा अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड ने 34.7% स्टेक बेचा डसॉ एविएशन को 2017 और 2018 में। मुनाफा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 284.19 करोड़ का हुआ अनिल अंबानी को। शेयर्स कितने खरीदे गए? 24,83,923 शेयर्स 10 रुपए प्रति शेयर की कीमत में, वो भी एक ऐसी कंपनी में जो नुकसान में चल रही है। आखिर अनिल अंबानी को डसॉ ने यह फायदा क्यों पहुंचाया? अब आप इसे जोड़िए किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में दखल दे रहा था। यह बात आपको अभी तक किसी मीडिया हाउस ने नहीं समझाई। आपको जोड़ना पड़ेगा किस तरह से डसॉ जो है खरीद रहा था स्टेक्स अनिल अंबानी की ऐसी कंपनी में जो नुकसान में चल रही है। अभी तक उस बातचीत के लिए जो है FIR दर्ज नहीं कराया गया, जिस बातचीत में दावा किया गया है कि मनोहर पर्रिकर के पास तमाम राज मौजूद हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक और सबूत रखना चाहूंगा। मैं आपके सामने जो पूरी डसॉ जो रफाल समझौता हुआ है उसका टाइमलाइन रखना चाहूंगा। इस तारीख पर गौर कीजिए, 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रफाल डील की घोषणा करते हैं। जुलाई 2015 को रिलायंस एरोस्ट्रक्चर महाराष्ट्र सरकार को जमीन के लिए याचिका देता है। दोस्तों, इस तारीख को याद रखिएगा, जुलाई 2015। अगस्त 2015 में 63 करोड़ में मिहान नागपुर में जमीन दे दी जाती है। रिलायंस कहता है कि हमें सिर्फ 104 एकड़ जमीन चाहिए, सारी जमीन नहीं चाहिए। और जमीन का पेमेंट करते करते
रिलायंस 2 साल लगा देता है और जुलाई 13, 2017 को जो है पेमेंट होता है जमीन का, इस पर भी आपको गौर करना होगा। अब आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा सीएनबीसी को, डसॉ के जो सीईओ हैं एरिक टैपियर, वो इंटरव्यू में क्या कहते हैं कि हमने रिलायंस को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास जमीन थी। दोस्तों एक बार फिर उस तारीख पर जाइए, जुलाई 2015 को जमीन का आवेदन देती है रिलायंस, अगस्त 2015 में उन्हें जमीन दे दी जाती है और सौदा कब होता है, अप्रैल 10 2015 को, यानी कि अप्रैल 10 2015 को रिलायंस के पास जमीन नहीं थी। तो मेरा सवाल यहां पर यह कि एरिक टैपिये यानी कि डसॉ के सीईओ गलत बयानी क्यों कर रहे थे। मैं झूठ भी बोल सकता हूं, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि झूठ जो है वो एक असंवैधानिक शब्द है, लिहाजा मैं एक असंवैधानिक या एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं कहूंगा, मैं गलत बयानी कहूंगा। तो दया, कुछ तो गड़बड़ है जी हां, कुछ तो पर्दादारी है जिससे छुपाया जा रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऐसे मित्र हों तो आपका सितारा तो हमेशा बुलंद ही रहेगा ना। आप देख रहे हैं किस तरह से अनिल अंबानी के लिए एक एक चीजों को ताक पर रखा गया है, मगर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये इससे भी ज्यादा है, और ये मुद्दा जो है कैरवान में उभर कर आया था और इसका ताल्लुक है अजीत डोभाल से। दोस्तों कैरवान की रिपोर्ट यह कहती है कि अजीत डोभाल ने रफाल समझौते में भारतीय हितों को ताक पर रख दिया, और हमें बार बार इस बात के प्रमाण मिल रहे थे कि चाहे कानून मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, वो लगातार गंभीर एतराज जता रहा था मगर उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि अजीत डोभाल लगातार इस बातचीत का हिस्सा थे, मगर 10 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट को वार्ताकारों की यानी कि नेगोशिएशन में कौन कौन शामिल हैं उसकी एक लिस्ट दी गई, मगर इस लिस्ट में अजीत डोभाल का नाम नहीं है। अजीत डोभाल का कहीं नाम नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आप अजीत डोभाल का नाम छुपा क्यों रहे हैं? और दिक्कत क्या हुई है, इस बातचीत का नतीजा यह हुआ, और इस ड्राफ्ट अग्रीमेंट के आर्टिकल 4 को पर आपको निगाह डालनी होगी और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आर्टिकल 4 ऑफ द ड्राफ्ट अग्रीमेंट ऑल्सो स्टेटेड दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज टू ट्रांसफर इट्स ऑब्लिगेशन टू डसॉ अंडर अ सेपरेट अग्रीमेंट टर्म्ड अ कन्वेंशन। द कन्वेंशन वुड परफॉर्म द सेम मनूवर विद MBDA, द मिसाइल सप्लायर इन द रफाल डील। The French government would enter into the convention with the supplier companies without making India a party to it. तो बड़ी खबर यह है कि भारत की हितों की अनदेखी की गई। कैसे? क्योंकि भारत को महज एक लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया और फ्रांस सरकार ने सारी जिम्मेदारी जो है वो डसॉ को स्थानांतरित कर दी। यानी कल को मामले में कुछ गड़बड़ होता है तो भारत को सिर्फ एक लेटर ऑफ कंफर्ट मिलेगा, यहां पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है। और मेरे सवाल हैं कि ऐसा क्यों, भारत के हितों की अनदेखी क्यों की गई, ऐसा समझौता क्यों जो फ्रांस सरकार की जिम्मेदारी को पूरी तरह से खारिज करता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फ्रांस को बचने का मौका आखिर क्यों दिया जा रहा है? डोभाल टीम का हिस्सा क्यों थे अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और अगर थे तो आखिर इस बात को सुप्रीम कोर्ट से क्यों छुपाया गया? दोस्तों होता क्या है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए जाते हैं डसॉ के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में या फिर रफाल डील के बारे में, तो वो कहते हैं सीधा वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा देते हैं, और किसी भी सवाल का जवाब से बचना प्रधानमंत्री के लिए सबसे आसान रास्ता होता है। जब आप ये कहें कि साहब हमें पाकिस्तान और चीन से चुनौती है लिहाजा हम पर कांग्रेस दबाव बना रही है, हम पर विपक्ष दबाव बना रही है, हम पर ये कथित पत्रकार जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा तो आपसे सीधा सवाल है मोदी जी कि आप सांवैधानिक परंपराओं को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, किसके लिए? अनिल अंबानी की नुकसान में चल रही कंपनी में डसॉ क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? अजीत डोभाल अगर बातचीत का हिस्सा हैं, तो आखिर इस बात को छिपाया क्यों जा रहा है? और आपके स्वास्थ्य मंत्री
विश्वजीत राणे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर की बेडरूम में कई राज दफन हैं? क्या इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? और जैसे कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय 36 लड़ाकू विमानों के समझौते में इतनी ज्यादा दखल क्यों दे रहा है? किसको बचाने के लिए, किसके फायदे के लिए? तो क्या यह सवाल उठने लाजमी नहीं है? दोस्तों, दरअसल यह मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया क्योंकि इस मुद्दे को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन था, लिहाजा मुझे लगा कि आपके सामने इस कंफ्यूजन को, इस असमंजस को दूर करने की बहुत जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपका असमंजस दूर हुआ होगा। मेरी आपसे अपील है कि आप बोल के लब आजाद है तेरे, खासकर रफाल समझौते पर जो हमने किया है, इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।